हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम जानते हैं, अभी मैंने जो पोस्ट डाला था मेमोरी इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके डिटेल्स को आपने मे बी आपने रीड कर लिया होगा उसको। अब उसको मैं थोड़ा सा आसानी से इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। मेमोरी, मेमोरी का मतलब होता है कि कंप्यूटर का स्टोरेज एरिया मेमोरी कहलाती है। अब मेमोरी जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहा जाता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी को एक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम प्राइमरी मेमोरी को देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी दैट मीन्स विच मेमोरीज कैन होल्ड द मेमोरी टेम्परेरी एंड परमानेंट बोथ, दिस मेमोरी इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, जस्ट लाइक रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी विच मेमोरी होल्ड डाटा परमानेंटली इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल पेन ड्राइव, सी डी, डीवीडी, एसडी कार्ड। एसडी कार्ड मीन्स जो आप फोन में मेमोरी कार्ड लगाते उसकी बात हो रही है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एटसेट्रा। अब हम देखेंगे तो रैम और रोम के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा डीप स्टडी करें तो आपने जो मैंने कंटेंट भेजा है उसमें आपने देखा होगा कि रोम के बारे में लिखा होगा कि रोम एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। टेम्परेरी का मतलब होता है कि डेटा जब तक कंप्यूटर पावर है तब तक डेटा ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। दूसरा है वोलाटाइल मेमोरी होगा। वोलाटाइल मेमोरी दैट मीन्स कि विच मेमोरी कैन रन ओनली प्रेजेंस ऑफ पावर, अदरवाइज दिस मेमोरी कैन नॉट रन। अगर थोड़ा सा और इजी वे में अगर देखा जाए तो वोलाटाइल यानी पावर रहते वक्त जो मेमोरी कार्य करती है उसको वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। जैसे ही कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया जाता है इसके यहाँ से मेमोरी डिलीट हो जाती है। दूसरी अगर बात करें तो रैम जो होता है तो वो दो टाइप्स का होता है। पहला यस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा डी रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। बात करते हैं रोम की। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। अब थोड़ा सा इसमें देखें तो आपने इसमें देखा होगा कि रोम जो होता है परमानेंट मेमोरी होती है। इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। अब परमानेंट मेमोरी का मतलब ये हुआ कि जो मेमोरी अपने डेटा को हमेशा के लिए स्टोर करे उसको परमानेंट मेमोरी कहते हैं। नॉन वोलाटाइल मेमोरी दैट मीन्स कि पावर हो तब भी कार्य करेगा, पावर ना होने पर भी कार्य करेगा। इसका एग्जांपल कंप्यूटर का डेट एंड टाइम होता है। दूसरा चीज पी रोम, तीन टाइप्स के होते हैं। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का दूसरा टाइप होता है ईपी रोम, मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का तीसरा टाइप होता है डबल ईपी रोम, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दैट्स इट। नाउ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सिलरी मेमोरी। एक्सिलरी मेमोरी दैट मीन्स कि विच मेमोरी कैन होल्ड द परमानेंट डेटा इन अ फ्यूचर बैकअप एंड दैट द प्रोवाइड टू कैरी द डेटा टू एवरी प्लेस एनी वन कंप्यूटर्स वन टू शेयर वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इज ए वे। नाउ जस्ट लाइक एसडी कार्ड। अब बात करते हैं हम लोग
कैरेक्टरिस्टिक। या फीचर, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक और फीचर की बात करें तो आपने ये देखा होगा, उसमें रीड किया होगा कि ये ड्यूरेबल होता है, ईजी टू यूज़ होता है, कम्पैक्ट होता है, और इसको डेटा को हम आसानी से एक जगह से दूसरे जगह आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही क्लास, कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट्स के बारे में। तो इसलिए आप लोग अच्छे से अपने बुक से स्टडी कर लीजिएगा, फिर हम लोग मिलते हैं कल। धन्यवाद।